अभय शैली का फोन था, ये उसकी किसी दोस्त ने जर्मनी से एके के बारे में सारे डिटेल्स मेल कर दिए। मेल कर दिए? क्या देव, आई ओके? हाँ बिल्कुल सब ठीक है, मैं आता हूँ जरा एक इम्पोर्टेंट फोन करने में। स्टेव ऑफिस में नहीं होना चाहिए। स्माइल करो। हाय। हाय। देव है ऑफिस में? नहीं सर, तो अभी नहीं आए हैं। आप लोग अपना नाम और मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं देव का कॉलेज का फ्रेंड हूँ और देव की शादी होने वाली आप तो जानती है, तो हम लोग उसे सरप्राइज देने आए हैं। तो हम केबिन में वेट कर सकते हैं प्लीज? अरे गोपाल, ये कुछ सर के पोस्ट आए हैं, उनके केबिन में रख दो। एके के नाम का एनवेलप देव के ऑफिस में। अरे I'm so sorry. Sorry. लाइए मैं मदद कर देता हूं। ये बाथरूम का है? बाथरूम वहां है सर। थैंक यू। ओके मैम, कैबिन में जाना अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग पार्किंग में वेट कर लेते हैं, आप बस किसी को कुछ बताइएगा मत। ये क्या है? एक एक नाम का लिफाफा। याद है हमने उस दिन माँ की बात टाल दी थी? बेटा वो हम लता के ऑफिस गए थे, वहाँ उसे कुछ एक ही नाम से पुकार रहे थे। माँ जी देखिए, एक कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और ये भी तो हो सकता है कि देव के दोस्त उसे प्यार से एक एक कहते हो। सोचने वाली बात ये है आभा कि ये एक है कौन जिसकी इतनी पोस्ट आती है देव के ऑफिस में। करण ये तो अजीब इत्तेफाक है। याद है हमने भी आपसे कहा था कि हम उस दिन कुरियर वाले के पास गए थे तन्वी के असली पिता के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने? उसमें भी सिर्फ हमें दो ही अल्फाबेट्स नजर आए थे, ए और के। तुमने जा कहा था, मैं वहां पहुंच गई, अब जल्दी से आ जाओ। ओके बाय। कोयल, देव को तो नहीं मिलने आई थी? कोयल, तुम्हारे भैया तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी एक भी गलती हमारा पूरा प्लान चौपट कर सकती है। ओह माय गॉड, भैया यहाँ? जी हाँ, मैंने उन्हें देख लिया इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी। और अब तुम भी होशियार रहना। हाँ ठीक है, बाय। दोनों यहाँ? हाँ पापा, जर्मनी से शैली भाभी की एक फ्रेंड ईमेल भेजने वाली है जिसमें एक आदमी की डिटेल्स हैं जो हो सकता है कोयल के पास से जुड़ा हुआ हो, और ये भी हो सकता है पापा कि वो तन्वी का असली पिता हो। ये तो अपना ए है और ये के है। ए के। एके सर को फोन करो जल्दी, काम हो गया। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, पापा, एके, मुझे याद आ गया पापा, जब मैं बेहोश था तो वो गुंडे बार बार किसी एके से बात कर रहे थे। एके। पापा। भैया हो सकता है कि ये आदमी और जिससे वो गुंडे बात कर रहे हो दोनों एक ही हो। और पापा हो ना हो, इन दोनों का देव से कोई ना कोई लेना देना जरूर है।